हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है वो लिया है हमने सिमिलर ट्रायंगल। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, एक ट्रायंगल है एल एम के, जिसमें ये एंगल एम और एंगल एन दोनों 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर इन वैल्यूज को दिखाया हुआ है, ये बी, ये सी, ये एक्स और ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक्स के इक्वल में क्या लिखा होना चाहिए, ए बी सी का फॉर्म लिखा होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ट्रायंगल में दो एंगल आपको बराबर दिए और एक एंगल देखो के आपको यहां पर कॉमन सा दिख रहा है दोनों बड़े और छोटे ट्रायंगल में। तो ध्यान रखो कि क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, मतलब आपको दोनों ट्रायंगल छोटा और बड़ा सिमिलर करके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जैसा कुछ रखना होगा, और मेरे ख्याल से आपकी बात बन जाएगी। चलो ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगलों के नाम लेते हैं। एल के एम बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एल के एम और छोटा ट्रायंगल पी के एन, छोटा ट्रायंगल पी के एन। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है, तो कह सकते हैं ये एंगल वन और ये एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये बराबर है, रीजन गिवन 30 डिग्री दिया है दोनों। लिख भी सकते हो चाहो तो कि इक्वल टू 30 डिग्री और बराबर है। अगर इस एंगल थ्री की बात करें तो ध्यान से देखो, ये एंगल थ्री और एंगल थ्री बराबर, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में एंगल थ्री मौजूद है। और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन लिखेंगे कॉमन, कि भाई ये एंगल दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है तो कॉमन एंगल हो गया। अब किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए यूजिंग द क्राइटेरिया ए ए क्राइटेरिया। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल एल के एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी के एन, रीजन हो गया ए ए क्राइटेरिया। अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर दिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेने का तरीका क्या है, आपने जिन दोनों एंगल को यूज किया है उसके अपोजिट वाली साइड कॉरेस्पॉन्डिंग में रखनी है। वो कैसे, देखो एंगल वन और एंगल टू लिया है तो छोटे ट्राइंगल में एंगल वन के अपोजिट पी के होल अपॉन, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल टू के अपोजिट एल के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप छोटे ट्रायंगल की साइड रख रहे हो या बड़े ट्रायंगल की, अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो सेकंड केस में भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और तीसरे केस में भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, या पहले बड़े ट्रायंगल की साइड रख लो या छोटे ट्रायंगल की रख लो, फर्क नहीं पड़ता। अब एंगल थ्री कॉमन लिया है तो छोटे ट्रायंगल में एंगल थ्री के अपोजिट साइड, ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में भी एंगल थ्री के अपोजिट साइड। अब छोटे ट्रायंगल की बची हुई साइड, तो देखो हमने छोटे ट्रायंगल में पी के ले रखा है, पी एन ले रखा है, एन के रह गया। इसी तरह से बड़े ट्रायंगल में देखो कौन कौन सी साइड ले ली मैंने, एल के ले ली मैंने, एल एम भी ले ली, रह गया एम के। ठीक है, और ये क्या किया है हमने, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेने का तरीका हमेशा ये होगा, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यूज रखते हैं। पी के हमारे पास नहीं है, एल के भी हमारे पास नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये हमें अपने आंसर में भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो आंसर कुछ और लेवल का ही चाहिए, तो इसे छोड़ देते हैं। इसको लेते हैं पी एन, ये हमें एक्स दिया है, अपॉन एल एम, एल एम आपको ए दिया है, एन के, एन के आपको सी दिया है, और एम के, एम के पूरी वैल्यू है बी प्लस सी। यहां से सिर्फ एक्स का वैल्यू ही तो निकालना है, तो चेक करो x इज इक्वल टू, क्रॉस कर दो, ए सी अपॉन बी प्लस सी। एक चीज चेक करो, क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, x की वैल्यू निकालिए एबीसी की टर्म में, तो चेक करो x की वैल्यू एबीसी की टर्म में आ गई है। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।